हेलो बच्चों, आज जो है हम अपने जो काइनेमेटिक्स का जो आपका टेस्ट पेपर हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और जो जो ए जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एंगल है या इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट बी का जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपको इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले चीज ध्यान रखो बेटा कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेते हैं। ये जो है सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए का जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये जो है बेटा ऑब्जेक्ट बी का जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए का जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है बेटा ये 45 डिग्री इंक्लाइंड, इसका इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री है। और जो ऑब्जेक्ट बी जो है इसका इंक्लिनेशन कितना है बेटा 60 डिग्री, सॉरी 45 नहीं है बेटा, 30 डिग्री, 45 नहीं, कितना है ये 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट ए का जो इंक्लाइंड है वो कितना है 30 डिग्री है, ऑब्जेक्ट बी का जो है वो 60 डिग्री है। तो आपको इनके वेलोसिटी का रेशियो बताना है। अब देखो सिंपल सा, काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। और इसका इसका स्लोप आपको निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है, सिंपल टेन थीटा की। स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा की। तो ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए की वैल्यू होगी 10/30। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ऑब्जेक्ट बी जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वी भी उसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप 10/60, इंक्लिनेशन 60 है तो कितना हो जाएगा, स्लोप कितना होगा 10/60। 10/60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वी ए टू वी बी रेशियो। तो रेशियो ऑफ वी ए रेशियो ऑफ वी बी, तो वी ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3, वी बी की वैल्यू कितनी है 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर होगा, डी आंसर होगा, आंसर आपका डी होगा, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 14 सेकंड टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये बेटा देखो सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स ही लॉजिक पे ही बेस्ड है, ठीक है, ये फिजिक्स का एप्टीट्यूड जैसा है। तो इसको इसको बनाने के लिए सिंपल आपको लॉजिक की जरूरत है, बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स की भी जरूरत नहीं। देखो सिंपल सी चीज है कि एक ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा यहाँ पर सारे आंसर मीटर में आ रहे हैं, तो उसको हम उसको भी हम किस में किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर, ये आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है, आपकी थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया गया है। तो कितना हो गया बेटा 2 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी 10 मीटर पर सेकंड। ब्रिज की लेंथ कितनी है बेटा 100 मीटर। अगर 100 मीटर लेंथ का एक ब्रिज है और ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसको तो कितने समय में क्रॉस करना चाहिए, 100 डिवाइड बाई 10, तो कितने में करना चाहिए बेटा 10 सेकंड में क्रॉस कर जाना चाहिए। कितने सेकंड में क्रॉस कर जाना चाहिए 10 सेकंड में, लेकिन ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है 14 सेकंड लग रहा है, ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है 14 सेकंड। तो ये 4 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, उसका रीजन ये है बेटा कि हम ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जिस मोमेंट उसका इंजन एंटर किया और उसकी लास्ट बोगी जब क्रॉस हो जाएगी तब हम मानेंगे ना कि वो ट्रेन पूरी क्रॉस हो गई है। तो ये जो 10 सेकंड में उसका इंजन क्रॉस हो जाएगा, लेकिन जो उसकी लास्ट बोगी क्या है 4 सेकंड और टाइम ले रही है, इसका मतलब क्या है
उसकी जो लेंथ किसके बराबर है, 4 सेकंड में जो ट्रेन ने डिस्टेंस तय की वो क्या होगी, वो ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो अगर अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड तक अगर चल रही है तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। इस ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई बेटा, 40 मीटर। तो आंसर क्या हो गया आपका, 40 मीटर। सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं, लॉजिक यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम फॉर जीरो एक्सेलरेशन। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ है जीरो एक्सेलरेशन के लिए, पर जीरो एक्सेलरेशन। देखो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और हमको मालूम है बेटा कि जब भी अगर हम डीटी ग्राफ बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें अगर क्लास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा बेटा, डीटी ग्राफ में ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहां पर देखोगे ग्राफ ए और सी, इसमें क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल कर्व लाइन है। ये दोनों ए और सी तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गए, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ही नहीं। अब आ जाते हैं बी और डी में, अगर इसमें अगर आप डी देखोगे तो यहां पर देखोगे इसका जो पोजिशन है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। ये जीरो टाइम पर भी इस पोजिशन पर है, टी टाइम पर भी है उसी पोजिशन पर, यानी इसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर वेलोसिटी जीरो है। अब ग्राफ बी में आ जाओ बेटा, यहां पर क्या है बेटा, ये देखो ये जो क्लासिकल ग्राफ है बिल्कुल ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डीटी ग्राफ, और ये किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, वो किसको शो करता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा किसी भी तरीके का तो ये लाइन स्ट्रेट ना रखे किसी न किसी फॉर्म में कर्व हो जाएगी, लाइन स्ट्रेट ना रखे कर्व हो जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका थ्योरी में काफी अच्छे से हो चुका है, इसीलिए हम क्वेश्चन में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड। ओके, तो क्या दिया है बेटा, इसमें वेलोसिटी दे दी है और इस वेलोसिटी के थ्रू आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है बेटा हमको पता है, सॉरी वेलोसिटी जो है इसको आप लिख सकते हो dx by dt, ये वैल्यू कितने दिए बेटा, ये at प्लस bt स्क्वायर ये दिया है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dx इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, यहां पर dt आ गया। कितने में दिया है बेटा, 1 to 2 सेकंड, फर्स्ट एंड 2 सेकंड, इसमें लिमिट लगा दो। ये 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ठीक है, सपोज करो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x1 से x2 हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x1 से x2 हो जा रहा है। अब देखो अब इसको इंटीग्रेट करो, ये at को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा at स्क्वायर बाई 2, ये bt स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करोगे तो bt क्यूब बाई 3, इसमें लिमिट लगा दो 1 से 2, ठीक है, इक्वल साइन लेके चल रहे हैं। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान रखोगे बेटा तो
ये 2 की वैल्यू एंड 1 की वैल्यू t की वैल्यू प्लेस कर दो 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, पहले इसमें दो, शुरू में दो की वैल्यू a 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 प्लस b 2 क्यूब बाय 3, ये जो वैल्यू है बेटा इससे हम डिडक्ट करेंगे, a t की जगह 1 रखो स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका a 4 4a डिवाइड बाय 2, तो ये 2a हो गया प्लस 8 बाय 3, हाँ ये 8b बाय 3 ब्रैकेट में माइनस, ये भी ब्रैकेट में, ये हो गया बेटा a बाय 2 प्लस b बाय 3, तो देखो ये आपका वैल्यू आ रहा है, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x, x का लिमिट लगा दो, x1 से x2 जा रहा है, इक्वल यहां कर दो। अब इसको ब्रैकेट को खोल लो, 2a में से a वाले वैल्यू को घटाओ, 2a माइनस a बाई 2 प्लस 8 बाई 3 माइनस b बाई 3, दो में से आधा ज्ञात क्या बचेगा, डेढ़ बचेगा, 3a बाई 2 हो जाएगा, ये 3 बाई 2a हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7 b बाई 3, और इसमें वैल्यू लगा दो x2 माइनस x1, या इसको लिख दो डेल्टा x, इस ड्यूरेशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3 बी। हम आंसर देख लेते हैं, ये डी आंसर बेटा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इंटीग्रेशन आपको करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। आपको v की वैल्यू दी है, v से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पार्टिकल लोकेटेड एट x0 एट टाइम t0 स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, दैट वेरी v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट x, अच्छा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम है, ओके। इसमें क्या दिया है बेटा, इसमें दिया है कि वेलोसिटी दी है, इसमें वेलोसिटी दी है, उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा अंडर रूट एक्स दी है। हमको फाइंड क्या करना है बेटा, ए विथ रिस्पेक्ट टी फाइंड करना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, सॉरी क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है टी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। लेकिन यहां पर देखो वी की वैल्यू किसके फॉर्म में दी हुई है, एक्स के फॉर्म में दी हुई है। देखो हम वी को लिख सकते हैं बेटा, वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, इसको हम इस पर लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन जो टर्म है उनको एक तरफ ले आओ, तो क्या करो डी एक्स के नीचे अंडर रूट एक्स आ गया और ये क्या हो गया अल्फा डी टी हो गया, अल्फा डी टी हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी के टर्म में, ठीक है। तो देखो इसको हम अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको अंडर रूट एक्स को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हाफ हो गया डी एक्स इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे टी जीरो कर लो, टी जीरो डी टी, ठीक है ना, टी जीरो को मतलब एक होता है, ठीक है,
अब देखो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x माइनस वन बाई टू प्लस वन, इसके नीचे भी सेम किया जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, यहां पर क्या होगा बेटा, अल्फा कांस्टेंट है तो इसमें कुछ नहीं करना है, p है तो जीरो प्लस वन, नीचे भी जीरो प्लस वन। अब देखो इसको अगर आप ध्यान दोगे इसमें क्या होगा, इसको अगर आप देखोगे तो ये हो गया x की पावर वन बाई टू, यहां नीचे भी वन बाई टू, यहां पर अल्फा t, तो इस वन बाई टू को उधर रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये x की पावर 1 बाई टू इक्वल टू 1 बाई टू अल्फा टी। अब x को पावर 1 बाई टू है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x इक्वल टू 1 बाई टू अल्फा टी। अब इसका अगर इसको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 बाई फोर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 बाई फोर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो कांस्टेंट है ना, तो टी के किसके ऊपर, टी के स्क्वायर पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, टी के स्क्वायर पे डिपेंड है। तो देखो इसमें आंसर दिया हुआ है, हाँ बी आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये भी सिंपल बेसिक आपको इंटीग्रेशन अगर आपको आता है प्रॉपर वे में तो भी ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन पॉइंट मास बॉडी मूव्स। ये काइनेमेटिक्स के सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है बेटा, कि हमको पता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो क्या होगा उस समय, हम उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों है बराबर होती है, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। जब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बराबर होगा तो आपकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों की जो चीजें, दोनों की वैल्यू जो क्या होगी, वो बराबर हो जाएगी। तो आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली प्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, वन डी मोशन। अच्छा, वन डी मोशन का मतलब होता है बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और देखो ये जो ग्राफ क्या दिया है, ये पहला ग्राफ जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इनटू टाइम, वन डी मोशन में बेटा जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है या जिसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं बेटा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ये नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो समझ में आता, लेकिन ये डिस्टेंस है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है बेटा पोजिशन टाइम ग्राफ। अब देखो अगर पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑब्जेक्ट दो पोजिशन पे दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर भी दिख रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे भी दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन पर हो, तो ये भी ग्राफ गलत है, ये नहीं हो सकता। यहां पर भी सेम चीज है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पर भी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रही है, एक ऑब्जेक्ट की एक टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रही है, अगर ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। दूसरा फोर्थ ग्राफ में आते हैं बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। हमको देखो 1D मोशन में स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टाइम, टोटल डिस्टेंस याद रखो, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस अपन टाइम। तो जब डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होता, टाइम तो पॉजिटिव ही है, टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है ना। टाइम वैसे भी वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम में कोई ऐसा नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। तो अगर स्पीड जो है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टाइम, तो यहां पर डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव है, तो
आपकी स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहां पर देखो क्या है, वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव जा रही है, वैल्यू क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा बेटा, चारों ही ग्राफ जो है वो नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल फोर। वन डी मोशन में आपको चारों में से कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा, ए बॉडी बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग शीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस। अच्छा, ओके, बेसिकली ये बोल रहा है बेटा कि एक पर्सन जो है अपने घर से जो है वो चलना शुरू करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये बेटा ये याद रखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो देखो ये जीरो टाइम पे इसकी पोजीशन जीरो थी, यानी ओरिजिन पर था, और आफ्टर 5 सेकंड के बाद जो है ये कहां पर आ गया, 40 मीटर पर आ गया। पोजीशन मीटर में दिया है, तो देखो तो जीरो से 5 मिनट में, जीरो से 5 मिनट में इसकी पोजीशन कहां हो गई बेटा, ये 40 मीटर चला। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 40 मीटर चला। अब देखो बेटा ये 5 से 10 के बीच में थोड़ा ध्यान दो, 5 मिनट वाले पोजीशन पे इसकी पोजीशन 40 है, 10 मिनट पे भी इसकी पोजीशन कितनी है, 40 है, यानी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, वो अपनी एक जगह पर खड़ा रहा। तो 5 to 10 मिनट में ये क्या हुआ, इसका ये जीरो डिस्टेंस चला, ये जीरो डिस्टेंस चला। अब देखो ये 10 से 15 तक, देखो 10 से क्या हुआ बेटा, वापस आना शुरू हुआ, ठीक है, पोजीशन ने। तो क्या होगा, 10 पे इसकी पोजीशन 40 पे थी, 15 पे क्या, 15 पे इसकी पोजीशन कहां आ गई बेटा, 15 पे इसकी पोजीशन आ गई -20 पे, ये 14 से -20, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, ये आपका 10 टू 15 में इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर होगा। अच्छा याद रखो बेटा, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने जो है ना एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। अब देखो ये 15 से 20 यहां पर क्या हुआ बेटा, ये -20 से जीरो चला गया, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो देखो टोटल डिस्टेंस से कितना चला, 40, 60, 20 टोटल डिस्टेंस जो है कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 120 मीटर ट्रेवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है बेटा ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 120 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और टाइम कितना ले रहा है बेटा, 20 मिनट ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर, टोटल टाइम कितना है, 20 मिनट, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर मिनट। एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर मिनट। देखो इसमें ये बी आंसर हो जाएगा। तो सिंपल बेटा, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल लोगे, उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लोगे, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछता है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो क्या होता, जीरो से चला अल्टीमेटली जीरो पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो ही है ना, जीरो पॉइंट से चला अल्टीमेटली घूम फिर के वापस से जीरो पे ही आ जा रहे हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता कि इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा याद रखो, स्पीड टाइम ग्राफ बोल रहा है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बोल रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली थोड़ा डिस्कस करते हैं।
यहां पर बेटा ये जो वीटी ग्राफ है, यहां पर अगर आप बैठोगे यहां पर भी अगेन बेटा अगर एक लाइन खींच दोगे इस तरह से, क्या होगा, एक ही टाइम पर दो स्पीड है, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटा, ये स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, फिर स्पीड टाइम के साथ क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। स्पीड क्या होती जा रही है, टाइम के साथ कम होती जा रही है, तो ये भी ठीक है, ये मिल सकता है। एक मिनट बेटा,